सर मैं क्रिसमस मनाऊंगा। मैं क्रिसमस मनाऊंगा, अब देखो लोग इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, उसे क्रिसमस बोलेंगे, बोलते क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिस आता है, क्रिस आपके इंडियन में कहते हैं क्रिसमस। तो मैं क्रिसमस मनाऊंगा, आई विल सेलिब्रेट क्रिसमस, आई विल सेलिब्रेट क्रिसमस, इस तरह से यूज कर सकते हो। एंड यू कैन सी हियर, यू कैन सी क्रिसमस ट्री, वी हैव डेकोरेटेड कंप्लीटली। वी वुड लर्न सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू क्रिसमस और एनी फेस्टिवल। दिस इज कॉल्ड ट्री एंड दिस इज कॉल्ड बेल्स and it is decorated with the frills, frills, चालू होती frills। गुब्बारे फूले हैं तो balloons are inflated। balloon पिचका हुआ है तो balloon is deflated। balloon फूला हुआ है तो balloon is inflated। गुब्बारे फुलाने को inflate बोलते हैं और पिचकाने को deflate बोलते हैं। Let's learn some new sentences related to Christmas festival। Sir, how to say in English? मुझे इस tree को सजाने में 2 घंटे लगे। इस tree को सजाने में 2 घंटे लगे। It took 2 hours to decorate this tree। बस 2 घंटे लगे। It took 2 hours to decorate this tree। ऐसा भी बोल सकती हो। सर हाउ टू सी इन इंग्लिश, आपने कितना पैसा खर्च किया इस रूम को सजाने में? आपने कितना खर्च किया तो हाउ मच डिड यू स्पेंड टू डेकोरेट दिस रूम, हाउ मच डिड यू स्पेंड टू डेकोरेट दिस ट्री, हाउ मच डिड यू स्पेंड टू डेकोरेट दिस होल रूम या होल क्लास रूम। तो कितना स्पेंड किया आप, तो हाउ मच डिड यू स्पेंड, ऐसा बता सकते हैं आप। हाउ टू सी इन इंग्लिश, कमरे को सजाने में किस किसने मदद की? कमरे को सजाने में या ट्री को सजाने में किस किसने मदद करी, तो किस किसने, कौन कौन, तो वो सब हु ऑल हेल्प्ड टू डेकोरेट दिस ट्री, किस किसने मदद करी कमरे को सजाने में, हु ऑल हेल्प्ड टू डेकोरेट दिस रूम, हु ऑल, तो कौन कौन ने, किस किसने, तो हु ऑल लगा सकते हैं। सर हाउ टू से इन इंग्लिश, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, आप देखो सेंटा क्लॉस तो आई है, उसकी पोशाक में बस कैप मुँह से बाकी है बस तो तो क्रिसमस क्यों मनाया जाता है क्या आप जानते हैं? इसको इंग्लिश बोला, डू यू नो व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, डू यू नो व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, इस तरह से आप यूज कर सेंटेंस का। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड यू कैन कमेंट बिलो इफ यू वांट टू लर्न सम मोर सेंटेंसेस। तो आप किस तरह से सेंटेंस सीखना चाहते हो भाई कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस पर और वीडियो बना सकूं। तो इंग्लिश सीखने के लिए जो लर्न इंग्लिश, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू ऑल।